पूजा ने कमेंट किया है, दीदी आप बर्तनों को कैसे पकाते हो प्लीज बताओ। तो कब से मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी पर कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, बट फाइनली मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको आपके अच्छे से सूखे हुए खिलौने ले लेना है। देखिए मेरे पास कुछ बर्तन ये वाले हैं, ये वाले अभी थोड़े गीले हैं इसलिए इन्हें अभी नहीं पकाएंगे, अभी सिर्फ ये वाले खिलौने पकाएंगे जो कि अच्छे से सूखे हुए हैं। ध्यान रखना खिलौनों में बिल्कुल भी नमी ना रहे वरना ये आग में फट सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि हमारा बर्तन आग में डालने से फट गया है, क्रेक हो गया है, टूट गया है, तो यही रीजन रहता है खिलौना अच्छे से नहीं सूखा होता है तो वो आग में डालने से फट जाता है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि चेक कैसे करोगे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पहला तरीका है बर्तनों को बजाकर देखा जाता है, अगर इनमें से तीखी आवाज आए तो समझना खिलौना सूख गया है और थोड़ी सी धमधम आवाज आए तो समझना कि खिलौना अभी गीला है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ये देखिए सूखा हुआ खिलौना कैसे बजता है। अगर आप पहली बार बर्तन पका रहे हैं तो आपको इस तरीके से समझ नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। आप एक खिलौना ले लीजिए, थोड़ी देर उसे अपने हाथ या गाल या गर्दन पर टच करके रखिए। अगर 10 सेकंड में बर्तन गर्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका खिलौना अच्छे से सूख गया है। अगर खिलौना ठंडा ही रहता है तो वो अभी गीला है, सूखा नहीं है, उसमें थोड़ी अभी नमी बाकी है। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि बहुत ही अजीब है, आप सुनकर हंसोगे। कुछ लोग बर्तनों को सूंघकर भी पता लगा लेते हैं कि बर्तन सूखा है या नहीं, बट ये तब भी पॉसिबल है जब आप खिलौने बनाने में एक्सपर्ट हो। अब करते हैं मेन काम। आपको एक चूल्हा या तसला ले लेना, मिट्टी का चूल्हा भी चलेगा या भट्टी भी चलेगी। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो नॉर्मली जमीन पर भी आप आग लगा सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान से आपको कहीं लगे। अब चूल्हे में क्या जलाना है उसके लिए आपको इस तरह की अच्छी लकड़ी ले लेनी है। इस तरह की लकड़ी या गोबर के उपले भी आप जला सकते हैं, वो भी काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि उनकी आग भी काफी देर तक जलती है। आप इस तरह के तिनके, पत्ते, भूसों का यूज बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इनकी आग बहुत ही जल्दी सूख जाती है, ठंडी हो जाती है और हमारे बर्तन रेड ना होकर काले ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें बर्तन पकेंगे नहीं, पक जाएंगे बट थोड़े थोड़े कच्चे रह जाएंगे। आप उनमें एक दो बार खाना बनाएंगे या ज्यादा देर तक उन्हें पानी में रखेंगे तो वो गल जाएंगे। अगर आपको बर्तन अच्छे से रेड कलर के करने हैं तो आग तेज होना जरूरी है। आप जैसे भी आग जलाते हैं जला लीजिए। देखिए चूल्हे में बर्तनों को रखने के भी दो तरीके हैं। पहले आप लकड़ी जमा कर उस पर बर्तन रखकर फिर से उस पर लकड़ी रखकर पूरा मामला तैयार करके उसमें आग लगा दीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, पहले आप आग जला लीजिए, देन उस पर खिलौने डाल दीजिए, फिर ऊपर से और लकड़ी रख। पर्सनली मुझे सेकंड वाला तरीका पसंद है क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि कितनी आग हमने लगाई है, यानी कि कितने अंगारे बने हैं और हम इनमें कितने खिलौने डाल सकते हैं। अंगारे रेडी रहने की वजह से इसमें खिलौने जल्दी पकने के आसार रहते हैं। देखिए पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले चूल्हे को पूरा जला लेना है, थोड़ी देर में चूल्हा आधा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। इसी टाइम आपको आपके खिलौने इसमें डाल देना है, देन ऊपर से लकड़ियां रख देनी है।
हो गया। अब आप एक घंटे या आधे घंटे बाद आकर जब देखेंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा दिखेगा। ये दो बर्तन खुद ही लुढ़क कर गिर गए हैं, बाकी भी गिरने वाले लग रहे हैं। इनको चिमटे के ऐसे बाहर रख देंगे क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा गर्म है। देखिए ये वाला तवा थोड़ा सा तड़क गया है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए चूल्हे में ऊपर आग अभी भी जल रही है, बट ये नीचे गिर गए थे तो मुझे इन्हें निकालना पड़े, वैसे भी पक चुके हैं। ये देखिए ये आग में कैसे रेड हो जाते हैं, बिल्कुल लोहे जैसे। जब आप इनको निकालते हो तो ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो आपको इनको ध्यान से निकालना होगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गर्म है। इस पर आप लकड़ी रखेंगे तो वो भी जल जाती है। देखिए सारे खिलौने मैंने बाहर निकाल लिए हैं, ये रहे हमारे पके हुए एकदम रेड रेड खिलौने। अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगा सकते। देखिए ये रहे हमारे खिलौने जिन्हें एक घंटे बाद मैं अब घर में लेकर आ गई हूँ। ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अभी इन्हें हम हाथ लगा सकते हैं और बिल्कुल रेड रेड हो गए हैं, जैसे कि आप लोगों को पसंद है।